आप हमारे मेहमान हैं। हाँ तो अजहर के बारे में इमरान कुछ बताइए हमको। मोहम्मद अजहरुद्दीन को आप जानते हैं? जी, वो 80s और 90s में वो खेला करते थे क्रिकेट और इंडिया के कप्तान रहे 10 साल तक। तो उनकी ज़िंदगी पर ये फिल्म आधारित है। 2000 में एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ था, क्रिकेट का एक मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम उनके नाम से जुड़ गया और 12 साल तक ये केस चलता रहा और फिल्म जाके ख़त्म होती है 2012 में, जब एक्चुअली वो कोर्ट केस जीते थे। अच्छा, अजहर की क्या क्या तैयारी की आपने रोल के लिए? तो उनका मैनरिज्म पकड़ना, जिनको मैंने 80s में फॉलो किया था और उनका एक स्टाइल था, जैसे कॉलर ऊपर था उनका, वो 90s में उन्होंने शुरू किया था और उनका एक टिपिकल वॉक था जब वो फील्ड पे आते थे। तो एक बार हमारी ऑडियंस जो है वो देखना चाहती है, अजहर सर का वॉक देखना चाहती है। और मुझे उसके लिए बैट चाहिए होगा यार। तो उनका लेफ्ट शोल्डर जो था थोड़ा ऊंचा था, ऐसा क्रिकेट के अमित जी थे वो। और फेस थोड़ा इस तरह। अच्छा, मतलब ये अमित जी और फेस अजय देवगन। हाँ, झूठ बर्दाश्त नहीं होता। और उनका जो इस तरह चलने का तरीका था वो थोड़ा इस तरह था। इट्स अ बॉलीवुड जोक, प्लीज लाफ। अरे वाह, नाउ यू कैन स्टॉप। पर आप अजय भाई, सॉरी, वेरी सॉरी, ये आपकी चेयर छीन सकती, बहुत हंसती है। अच्छा, एक डायलॉग हो जाए, अगर अजहर सर कॉमेडी नाइट्स लाइव में होते तो कैसे बोलते? जो मैच खत्म होता था और जब कमेंटेटर है जो भी उनसे पूछते थे कि आपने मैच कैसे जीता, मैं आपको पूछूंगी बॉयज ने कैसा खेला। हाँ, तो पूछे आप। तो अजहर सर, बॉयज ने कैसा खेला? वी बैटेड वेल, बोल्ड वेल, फील्डेड वेल। आज की पार्टी कब है सर? फिर वी बैटेड वेल, बोल्ड वेल, फील्डेड वेल। पार्टी में बैटेड वेल, बस उनका एक ट्रेडिशनल आंसर था हर क्वेश्चन पे मैच के बाद। सॉरी अजहर भाई। माय गॉड, टैलेंटेड हाशमी सुंदर फाकरी। अरे एक मिनट, मुझे भी तो देखो। अरे बदसूरत सिंह भी आए हैं। आपकी तारीफ। ये बंदा एक्टर बहुत अच्छा है, बाहर में से ऑटोग्राफ मांग रहा था, मुझसे पूछ रहा है आपकी तारीफ। ये बात मुझे बहुत पसंद आई आपकी। मैंने ऐसे कब बोला? झूठ 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 भी नहीं बोल सकती मैं, झूठ बोल रही थी, इंडिया में सब चलता है। माफ कीजिएगा, हमारी पड़ोसन है। ये क्या हाथ में लेके घूम रही है? ये हाँ, दिस इज पॉम 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 पॉम। या अरे आप ये क्या बन के घूम रही हैं? क्या बन के घूम रही है? मैं चीयर लीडर हूँ। चीयर लीडर? हाँ, चौका पड़ता है तो गरबा करती हूँ। माय गॉड, इसको चीयर लीडर किससे बनाए? इतनी गंदी चॉइस किसकी हो सकती है? लो या टेल मी। मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि लोग मुझसे जलते हैं। जलते? बाहर नरगिस फाकरी जल रही थी मुझसे। ये मुझसे जल रही थी। अरे ये क्यों जलेगी तेरे से? मैंने इसे हाई केस ने मुझे इग्नोर किया, जलन होगी ना तभी किया ना। नो मिका बाजी, आई एम सीरियस, शी इज जेलस। यू जेलस? यू जेलस? नो आई एम नॉट जेलस, बट आई लाइक योर सॉरी दो। देखा, सॉरी बोल रही है, सॉरी बोल रही है। सॉरी नहीं, आई लाइक योर साड़ी बोला है उन्होंने। मुझे पता, वो सॉरी ही था, मन से निकला। बीच में मत बोल, मेरे कनपटिया पे दो घुमा के। एक मिनट, ये जो चीयर लीडर होती है ना, शॉर्ट स्कर्ट पहनती हैं, ये तेरी तरह साड़ी पहन के नहीं घूमती हैं। इसके बाद वैक्सिंग कराने के पैसे नहीं होंगे, इसीलिए मुझे सब पता है। अबे, you say she can afford waxing? हाँ सही कह रही है, क्योंकि वाकई मेरे पास पैसे नहीं है। आप यकीन माने, अगर मैं अपनी ऐसी साड़ी उठा दूं, इतने बाल हैं बाल में से तेंदुए निकल के भागते हैं। एक तेंदुआ तो साड़ी पहन के भी बैठी है। मौनी और अदा, एक बात बताइए, यहाँ तक कैसे पहुंची आप लोग? हम तो टैलेंट से पहुंचे हैं, आप बताइए। ओ ना
नागिन डस रही है हमको। एक बात बोलना चाहूंगा, हाँ। बहुत अच्छा लगता है आपका ये सीरियल नागिन जो है, मैं जब भी ये आता है कुछ जरूर देखता हूँ। थैंक यू सो मच, इट मींस अ लॉट फॉर अस टू वॉच इट। खैर आइए आपको यहाँ पर कुर्सी पर बिठा अदा और मोनी के लिए। आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगा, आप मुझे बताइए और सांप सांप बताइएगा इस बारे में, इस स्नैक काम के लिए आपको इन्होंने कैसे चुना? क्या क्या बोल रहे हैं आप? अरे आप नागिन स्वातम, नागिन लोग से ऐसी बातें होंगी यहाँ पर बैठ के, और क्या बात करेंगे। अरे अब ये बताइए वो जो आपका उसमें है क्या, मतलब आप क्या करना चाहते हो? जो एक हैंडसम सा लड़का है जिसको आप पसंद करते हो, ये बोलते पता नहीं इसको मार दो, क्या है क्या मतलब? हम दोनों सिस्टर्स हैं शो में और ये रिवेंज ड्रामा है, रिवेंज भी है, लव स्टोरी भी है, तो फिर हम दोनों मिलके वो एक्चुअली पूरी फैमिली के सारे लोगों को मारना चाहते हैं। एक आदमी को बाथरूम में मारा था जाके, वो क्या चक्कर था? बाथरूम वाला सीरियल सब देखते हैं। आपकी एज कितनी है जो सांप की एज होती है, मतलब 100 साल से ऊपर है? 100 साल की तपस्या के बाद हम इच्छाधारी नागिन का रूप धारण कर सकते हैं। मतलब 100 साल की तपस्या की मतलब आप लोगों ने ना, मैं तो कहता 15 साल पढ़ाई कर लेते बढ़िया इंजीनियर लग जाते। एक बात बताइए, आप लोग दोनों इच्छाधारी नागिन हैं? जी। मतलब जो इच्छा होती है वो कर सकते हैं आप? जी। तो प्रोड्यूसर से पैसे बढ़वाए कभी आप? ये वाली इच्छा पूरी नहीं हुई कभी? ये करवाइए। आंसर करेंगी। हाँ बताइए। सांप सांप हिस हिस करके मतलब वो काम नहीं हो पाता। मैं सच्ची बताऊं, इनकी शूटिंग पे मैं चला गया था पाजी एक दिन, मतलब वहां पर बहुत कंफ्यूजन होता था सेट पे। एक दिन क्या हुआ, बगल से सांप निकला, डायरेक्टर खड़ा हो गया, कहता आधा चलो अंदर जाओ तुम्हारा शॉट बाद में। फिर जब बाद में उस सांप ने काटा तब पता चला भैया ये सांप था। मुझे एक मिनट, डायरेक्टर का समझ नहीं आया, जब सांप ने काटा तो ऐसे जमीन पे गिर के ब्रश करने लगा था। वो उसके मुंह से झाग निकल रहा था क्योंकि सांप ने काटा था। ब्रश कर रहा था। खैर पाजी आपको पता है सांप लोगों से मेरे को पहले से बहुत तकलीफ है। क्यों? क्यों? मेरे दादाजी जो थे ना पाजी, बहरे सांप की वजह से मर गए थे। बहरे सांप की वजह? हाँ, क्योंकि सांप सामने आया, वो कह रहे थे बाजू हट चला जा, बाजू हट चला, वो सुना नहीं, वो काट दिया, दादाजी मर गए। ये होता है बहरे सांपों का। और अपने बारे में कुछ बताइए मौनी जी। क्या बताऊं? कोई बॉयफ्रेंड है आपका? अरे आपके फैंस जानना चाहते हैं। मैं आपको आपको बताऊंगी, शो के बाद बताऊंगी पक्का। लेकिन कैसे लड़के चाहिए आपको ये बता दीजिए। विदाउट मूछे। वो तो मैं अभी 2 मिनट में दिखा सकता हूँ। अदा आपको कैसा लड़का चाहिए? एक्चुअली नहीं चाहिए। तबीयत ठीक है ना? सब नॉर्मल हो ना? लड़का नहीं चाहिए का क्या मतलब आपका? अभी नहीं चाहिए। व्हाट शी मींस इज अभी नहीं चाहिए, बाद में चाहिए होगा ना। सापी माहौल हुआ है, क्या कोई ऑफर चल रहा था, बाय वन गेट वन साप फ्री? इच्छाधारी नागिन, ये इच्छाधारी भैंस देख लो। ये मैं बताऊं ये लड़के के बारे में, इसको दूध पीना होता है ना, भैंस के बाजू में जाके ऐसे मुंह बना के लेट जाता है। वो जब सुबह उठती देखती मेरा बच्चा, इसको चाट चाट के अपना दूध पिलाती। आजी। पहली बार एक बच्चे से सांप डर रहा है। बड़े बड़े डायलॉग मारता है यहाँ पे, तेरे को क्या लगता है मैं डरता हूँ? डरता हूँ मैं? डरता हूँ समझा? फिर सम समिंग बैक ओके, आई विल सी यू। इन्होंने नागिन बन के तो हमारे दिलों पे
राज कर ही लिया है, लेकिन हमने कहा है कि कॉमेडी नाइट लाइव्स में ना हम आपके स्टार से वो करवाएंगे जो आज तक आपने कभी नहीं देखा करते हुए। नागिन भागिन नहीं, अभी इनका हम करेक्टर चेंज कर देते पाजी, दोनों को बकरियां बना देते। तुम दोनों बकरियां हो और वो लकड़ी की बकरी तुम्हारी मम्मी है, ठीक है? अब तुम दोनों को अपनी मम्मी से बातें करनी है। आ जाओ आंटी जरा इधर। इच्छाधारी बकरियां, देखते हैं अब कौन सी बकरी में है प्यारा ज्यादा करती है। पहल, अगर ये बकरी मेरी माँ होती और मैं बकरी होती तो मैं इसके पास जाती और सिर्फ एक ही चीज करती, मैं अब आपकी बारी अदा। कुछ तो प्यार से मैं कही, हम समझ जाएंगे। बैठिए। एक बात कहनी थी आप दोनों से। खैर मैं तो बच्चा हूँ, शरारती हूँ, बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं। ये तो दोनों बड़ी हैं, इनको तो अकल होनी चाहिए। नहीं, क्या कर रही थी लकड़ी की बकरी के साथ? मैं तो कुछ भी कहने का हूँ, सुपरस्टार है और लकड़ी के बाद मैं कर रही थी। चिंटू, तुम कैसे भूल सकते हो, तुम भी स्टार हो, तुम्हारी बात तो सुननी पड़ेगी ना। इतने क्यूट से हो तुम, क्यूट से हो। आज जहर घर छोड़ के आई को लेकर आई हो? जरूरत पड़ती है तो यूज कर लेते हैं, पर तुम्हारे लिए नहीं। पक्का? हाँ, इसने मेरे ऐसे किया पाजी, मेरा भी तो फिर ऐसे बनता ही है ना। वैसे एक बात बताइए, आपको कभी स्क्रिप्ट पढ़ के हंसी नहीं आती? मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है स्क्रिप्ट में, क्योंकि बॉर्न एंड बॉटम फ्रॉम बॉम्बे, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो उसमें काफी शुद्ध हिंदी मुझे बोलना पड़ता है। जैसे कैसे, जैसे कुछ बताओ। जैसे शिवन्या, तुम्हें सतर्क रहना होगा। कभी ऐसा नहीं होता घर जाके आप मम्मी को कहते कि मम्मी आप सतर्क रहिए, मैंने चूहा देखा है? अच्छा मेरी एक बात बताओ, हमने तो तुम्हारे लिप्स तुम दोनों के कम, बहुत कम हिलते हुए देखे, आधा तो तुम ऐसे करती रहती हो। ऑडियो पीछे चलता रहता है और ऐसा क्यों? बहुत ऐसा इसलिए है कि हम सोचते बहुत है दोनों, और हम दिन के कम से कम 10 से लेके 17 वीओज रिकॉर्ड करते हैं। ओह माय गॉड, लेकिन आज इनका वीओ मैं बनूंगा। ठीक है, चलिए बोलिए। तो पहले हमारी मोनी रानी खड़ी होएगी, मैं बोलूंगा, उसको एक्सप्रेशन देने होंगे। आ जाइए, चलिए स्टार्ट। ओह माय गॉड, ये चिंटू तो साला बहुत ही कड़क है। काश मैं थोड़ी छोटी होती तो मैं इससे शादी कर लेती और अपना सारा जहर इसको पिला देती और हम हनीमून पे जाते और एक ही गाना ये चिंटू गाता, जहर है के प्यार है तेरा जुम्मा कैसा ये तुम्हारा है। I got lost in the middle, but Chintu, I love you.